प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सर सैयद को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जो तकरीबन हर घर में बनती रहती है। आज मैं बनाऊँगी अंडे छोले का सालन, और आप लोग ज़रूर बनाते होंगे इसे, लेकिन आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। हर किसी की रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, मेरी रेसिपी भी आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ लगेगी, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मैंने 2 कप छोले उबाल के अच्छी तरह और इसे साइड में रख दिया है। छोलों में मैंने बिल्कुल थोड़ी सी कसर छोड़ी थी, तो मैंने उबाल के इसे साइड में रख दिया है। यहाँ मैंने लिए 2 प्याज मीडियम, और इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 कढ़ाई में डाला है 1/4 कप ऑयल। 1 डालूंगी मैं कश्मीरी मिर्च तोड़ के। इसमें डाल दूंगी प्याज जो हमने अभी स्लाइस किए। तो हमें यहाँ पे प्याज को नरम करना है। जब तक प्याज नरम होती है मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने लिया हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम मिक्स करके रख देंगे एक तरफ, और इसके साथ ही मैं डालूंगी नमक 1/2 टेबल स्पून। नमक हम छोले में उबालते वक्त भी डाला था हमने, तो नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें टमाटर पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। यह हमारी प्याज गोल्डन हो रही है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमें, हल्का गोल्डन करना है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक ताकि ये जल्दी गोल्डन हो जाए, जल्दी इस पर कलर आ जाए। ये हमने इसे 1 मिनट पका लिया है। अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम टमाटर पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए जी, प्याज तकरीबन नरम हो गई है और हमने टमाटर पेस्ट भी मिक्स कर दिया है। यह हमने डाल दिए सारे मसाले। मसाले डाल के हम इसे 30 से 35 सेकंड के लिए पकाएंगे, फिर उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको ठंडा कर लूंगी। इसको हमने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और ये तकरीबन ठंडा हो गया है, तो मैं इसे पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के कढ़ाई भी साफ़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जी, हमारा पीस गया, और मैं उसी कढ़ाई में इसे निकाल लूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे साफ़ करके निकाल लेंगे। और मैं इसे अब पकाऊंगी इतना कि जो तेल हमने डाला था वो ऊपर आ जाए। तो हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, जब बॉयल आके तो हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे दम पे। पाँच मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा था। दम पे रखने के बाद अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया है, हम इसमें डाल देंगे छोले। छोले डालेंगे, और छोले का पानी जिसमें हमने छोले बॉईल किए थे वो भी डाल देंगे, और इसे पका लेंगे थोड़ा सा। जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसे फिर धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि छोले में जो कसर है वो पूरी हो जाए, छोले अच्छी तरह गल जाए। यह हमने अंडे उबालने के लिए चढ़ा दिए, और हम इसे खोल के देखते हैं। ऑयल ऊपर आ गया, हम इसमें डाल देंगे धनिया चॉप करके। धनिया चॉप करके मैंने पानी में भिगो दिया था, वो हमने डाला है 2 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी भी। तो कसूरी मेथी डाल के हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे दम पे ही छोड़ देंगे। जब अंडे अच्छी तरह उबल गए, सख्त थोड़े से सख्त उबाल लें, जब उबल गए तो हमने इसे छील लिया, और यहाँ मैंने लिया था थोड़ा सा तेल। इसमें हम अंडे को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कलर आ जाए अंडों पर गोल्डन। इसे भी हम वापस छोलों में डाल देंगे। अंडे भी हमने फ्राई करके छोलों में डाल दिए, हम इसे मिक्स करेंगे और इसे दम पे छोड़ देंगे। यहाँ मैंने लिया उसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, हरी मिर्च डाली है 1, थोड़ा सा जीरा डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, अच्छा कलर आता है इसका। तो हम इसे 30 सेकेंड के लिए पकाएंगे, और फिर इसका भकार लगा देंगे अपने छोले पर। तो इसका भकार लगा देंगे हम अपने छोलों पर। तो
तो यहाँ मैंने भगा लगा दिया, मैं इसे छोड़ूंगी 2 मिनट दम पे। 2 मिनट दम पे छोड़ने के बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत मज़े का यमी लग रहा है और ये बहुत मज़े का यमी था भी और मेरे हस्बैंड को बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसको नान के साथ खाएंगे, तंदूरी नान के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है। पराठे के साथ भी खा सकते हैं और सादे राइस के साथ भी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है उसे फॉलो कीजिएगा कुकिंग विद सर सैयद, और फेसबुक पेज है उसे भी देखिएगा कुकिंग विद सर सैयद। वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है मेरी। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू।